सर जब तक ना हमें कोई अश्योरेंस मिलेगी गवर्नमेंट से कि आपका लिस्ट स्क्रैप नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले से ही पता था इसमें इंक्वायरी हुई है, तो कल उन्होंने ट्वीट में वही लिखा, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि इसमें इंक्वायरी है, वो हमें ऑलरेडी पता था। तो हमें गवर्नमेंट से ये है कि रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमें अश्योरेंस दे दें कि हमारा सिलेक्शन सेफ़ है और जो बाकी इसमें स्कैमर्स हैं सिर्फ उन्हीं को फ़िल्टर आउट किया जाए और बाकी जो विक्टोरियस कैंडिडेट्स हैं उनके साथ जस्टिस किया जाए। सर हम पहले इस ये जो ट्वीट आया कल गवर्नमेंट की तरफ से, हम इसका वेलकम करते हैं कि आखिरकार उन्होंने हमारा प्रोटेस्ट एक्नॉलेज किया, लेकिन ट्वीट में जो लिखा है वो हमें ऑलरेडी मीडिया से पहले ही 5 दिन पहले पता चला था कि एनक्वायरी चल रही थी बिना आर्डर के। हमें पता था कि कोई आर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता चला कि एनक्वायरी चल रही है। आज उन्होंने 5 दिन के बाद हमें बोला ये कि एनक्वायरी चल रही है, तो ये कौन सी नई बात है हमारे लिए? हम चाहते हैं कि हमारा मेन मकसद है कि हमारा सिलेक्शन लिस्ट जो है, अगर उसमें कुछ स्कैम है, अगर उन्होंने कुछ पाया है, तो उसको फिल्टर किया जाए और स्क्रैप नहीं किया जाए। हमारा यही मेन मकसद है जी। एक्चुअली ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन है, हम इसके भी खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन है ये किसके खिलाफ होगा ये हमें नहीं पता है। ये होना चाहिए कि मतलब ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन है ये कल्प्रिट्स के खिलाफ होना चाहिए, ना कि जो जेन्युइन यहाँ पे सिलेक्टीज हैं इनके खिलाफ। ये इनजस्टिस होगा अगर ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन है अगर हम पे होगा, ये इनजस्टिस होगा। तो हम यही चाहते हैं कि जस्टिस हो, ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन की बात हो रही है ये खाली कल्प्रिट्स के लिए हो बस। सर बहुत परेशानी हो रही है सर, डेली यहाँ पे आना धूप में बारिश में सब में बहुत परेशानी हो रही है सर, लेकिन फिर भी सर हम यहाँ पे अपनी जस्टिस के लिए आ रहे हैं। हमें पता है कि हम ठीक हैं, अगर हम हक पे हैं तो सर इसीलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। अगर हमें मतलब हमारा मतलब ज़मीर बोलता है कि ये गलत है तो हम यहाँ पे नहीं आते सर।